यहाँ पे जो चाय की खेती है उसको बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और वर्तमान में जो हमारी चाय की खेती हो रही है सालूडी के अंदर, तो वहाँ भी बहुत ही अच्छा हमें परिणाम देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे जो चाय हमारे पत्तियाँ होती हैं उसको तोड़ के प्रोसेस करके काफ़ी अच्छा दाम वहाँ के जो लोग हैं किसान उनको मिल रहा है। और इसके साथ ही हमने कुछ साइट्स भी डेवलप किए हैं जिसमें काटाबेल, बालाछापर, इसी तरह अन्य साइट्स भी हैं। और अभी हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे पाट क्षेत्र के अंदर पहले से ही जो वृक्षारोपण है, जैसे नाशपाती का है, आम का है, तो क्योंकि वो पहले से ही शेड एक प्रोवाइड करता है, तो उन किसानों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें लगभग 70 से 80 एकड़ जो भूमि है वहाँ पे गड्ढा खुदाई का काम भी हो चुका है, और हमारा प्रयास है कि इस बार जो है लक्ष्य हम करीबन 500 एकड़ का पाट क्षेत्र में चाय उत्पादन के लिए लें। सर, इससे पहले तो मैं घर में काम करती थी और बकरी चराती थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम लोग को हर दिन का मजदूरी भी मिल जाता है और अपने परिवार चलाने के लिए खर्चा भी मिल जाता है, बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हैं सर। अभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्रशासन जितना भी अभी महिलाओं को सहयोग कर रहा है उसमें हम लोग को भी प्रशासन को सहयोग देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे चाय की खेती होती है और यहाँ पे 2011 से लगा हुआ है चाय की खेती। यहाँ पर 2011 में लगना शुरू हुआ और आज तक यहाँ पे चल रहा है, और हम लोग यहाँ काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। और हम लोग की पहचान यही चाय बना के बेचना, यही हम लोग का पहचान है। यहाँ की महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और ये चाय की खेती हम लोग को इतना आगे कर दिया है कि हम लोग पहले कुछ नहीं जानते थे लेकिन अब बहुत कुछ जान चुके हैं। और बड़े बड़े मंत्रियों से, ये सब फॉरेस्ट वाले हम लोग को सहयोग किया शासन, और बहुत खर्चा भी किया यहाँ पे हम लोगों के लिए और हम लोगों को बहुत आगे तक बढ़ाया। और मैं अभी प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम महिला, गरीब महिलाओं को आगे ले आया है। यहाँ चाय की खेती होती है, 18 किसानों हैं, 18 किसानों में से सब कोई आते हैं, और दो समूह हैं, 20 आदमी हैं, 20 यहाँ काम करते हैं, और अधिक हैं, अधिक पत्ती आती है तोड़ने नहीं पाते हैं तो हम लोग बाहर से भी मंगा लेते हैं। कितने एकड़ में दिखे? 20 एकड़ में है, फैली हुई है चाय पत्ती। कब से इसकी शुरुआत है? 2017 से हम लोग पत्ती तोड़ रहे हैं और हम लोग इसी में भिड़े हुए हैं। किस तरह से तोड़ते हैं? इसके प्रोसेस है, हम लोग सीटीसी बनाने के लिए हम लोग 3 पत्ती तोड़ते हैं और ग्रीन टी बनाने के लिए हम लोग 2 पत्ती तोड़ते हैं। और तोड़ते हैं उसके बाद, तोड़ने के बाद में हम लोग यहाँ रखते हैं, धूप में नहीं रख के छाँव में रखते हैं, छाँव में 18 घंटा रखते हैं, 18 घंटा से वहाँ ले जाते हैं फैक्ट्री में वहाँ प्रोसेस चलती है। पहले यहाँ का ज़मीन में गुंडली बोन रहे थे, गुंजा बोन रहे थे, कोठी बोन रहे थे, और अभी 2011 से पौधा लगा हुआ है, उस समय से यहाँ चाय का उत्पादन हो रहा है और बहुत दूर दूर तक भेजा जा रहा है। यहाँ 7-8 लाख का एक वर्ष में उत्पादन की दृष्टि से कमाई की जा रही है।